हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो आज है 23 सितंबर 2018 और आज हम बात करेंगे 23 सितंबर 2018 की जो करंट अफेयर्स है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जितने भी 23 सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न यहाँ पे बने वो सारे के सारे लिए हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप ये जो यूट्यूब चैनल है नामदेव एकेडमी, इस पर अगर आप नए हो तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही घंटे के चिन्ह को दबा लीजिएगा जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो देखो, यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न हमने लिया है वो लिया है कि यस बैंक ने जीएसटी जुर्माने के रूप में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो यस बैंक है इसने जीएसटी जुर्माने के रूप में 38 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। कितने का? 38 करोड़ रुपये का। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब यह बात हुई है यस बैंक की, तो यस बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर और इसके सीईओ कौन है? तो यस बैंक की जो सीईओ है वो है राणा कपूर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में जो ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग जो हुई है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखो, हाल ही में जो ये ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग है इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। तो उत्तर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि ये जो ये ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग हुई है तो ये इस बार का इसका कौन सा एडिशन है? तो देखो, संस्करण है इसका 5वां संस्करण है इस बार का। और पहले ही दिन में, फर्स्ट डे में भारत का बहुत अच्छा इसमें प्रदर्शन रहा। पहले ही दिन में भारत ने इसमें 3 तो गोल्ड जीते हैं और 3 ही सिल्वर जीते हैं। सिल्वर मतलब रजत है ना, और 1 जीता है कांस्य, ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, ये जीत लिए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो ये पहले दिन का इसमें रहा, ये ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग में जो पहले दिन का प्रदर्शन रहा भारत का, उसमें मायूरी ल्यूट ने महिला जूनियर 500 मीटर दौड़ में मायूरी ल्यूट है इसने देश को इसमें पहला गोल्ड दिलाया है एशिया, ये ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग में। ठीक है, और इसको जो, ये तो हमने देख ही लिया कि इसका जो आयोजन किया गया नई दिल्ली में किया गया, और नई दिल्ली में कौन सी जगह है? तो नई दिल्ली में किया गया इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, उसमें इसका आयोजन किया गया जो कि भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन कराया गया है। और इसमें टोटल 12 देशों ने इसमें भाग लिया है। कितने देशों ने? 12 देशों ने। ठीक है, अगला देखिए है, देखिए अब मैं इसमें दिखा देती हूँ जो ये ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग जो हुई है इसका मैं चित्र दिखा देती हूँ ताकि आप इसे भूल ना पाओ। तो देखिए, ये देख सकते हैं ट्रैक एशिया जो साइकिलिंग कप जो हुआ है उसका ये फोटो है, ये तस्वीर है। तो ठीक है, ये हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो देखो, अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में ट्रॉन डाई क्वांग है इनका निधन हो गया है, तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? ये हमारा प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ये ट्रॉन्ग डाई क्वांग है ये हाल ही में एट प्रेजेंट में ये राष्ट्रपति थे वियतनाम के। किसके थे? वियतनाम के। तो इनका निधन हो गया है। और देखो, हर पेपर में आपको एक ऑब्यूचुरी का क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो अब यहाँ हमें पता होना चाहिए वियतनाम के बारे में सारे फैक्ट पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ट्रॉन डाई क्वांग है इनका निधन हुआ, ये कितने वर्ष के थे? तो ये थे 61 वर्ष के। कितने वर्ष के? 61 वर्ष के। उत्तर यहाँ देख लिया कि ये थे वियतनाम के राष्ट्रपति। तो वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, और मुद्रा की बात करें, करेंसी है वियतनाम की वियतनामी डोंग। और प्रेसिडेंट की बात करें, जो कि प्रेसिडेंट थे ये ट्रॉन डाई क्वांग जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो सी हमारा यहाँ पे उत्तर हो गया, ये हमने देख ही लिया है। लेकिन अब यहाँ हम बात कर लेते हैं ये जापान जो ऑप्शन में और जो कंट्रीज दे रखी है उनकी भी यहाँ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं जापान की, बात करते हैं तो राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है एन। और जापान में देखो प्रेसिडेंट नहीं होते, प्रेसिडेंट की जगह एम्परर होते हैं जो कि है एकी हिटो। ठीक है, अब रूस की बात करें तो रूस की जो राजधानी है कैपिटल है वो है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है रूस के? वो है व्लादिमीर पुतिन। फिर वियतनाम का हमने देख ही लिया। अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की।
बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। अब यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ जो ये वियतनाम के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये ट्रॉन डाई क्वान, उनकी तस्वीर मैं यहाँ दिखा देती हूँ ताकि आप भूल ना सको। तो ये है वियतनाम के प्रेसिडेंट जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब देखिए ये सारे फैक्ट्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये सबकी मैंने जो भी ऑप्शन में जो भी आपको कंट्रीज दे रखी है उन सभी की मैंने कैपिटल भी बता दी, करेंसी भी बता दी, प्रेसिडेंट भी बता दी। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्जाम में आपको इसका फ़ायदा मिल पाए। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न लिया गया है कि IRDAI है इसने न्यूनतम चालक बीमा कवर में कितने रुपए तक की वृद्धि कर दी है। तो इसने क्या किया है, जो IRDAI है इसने न्यूनतम चालक बीमा कवर है इसमें इसने किए 15 लाख रुपये तक की वृद्धि इसने की है IRDAI ने। अब हमें देखो उत्तर तो हमारा ए हो गया, लेकिन हमें पता होना चाहिए IRDAI के बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही नोट डाउन कर लीजिए, जो IRDAI है इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है फिर से बोल रही हूँ, नोट डाउन कीजिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और जो ये IRDAI है इसके जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो है सुभाष चंद्र खुंटिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे लिया गया है कि जो हाल ही में महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप है इसकी जो मेजबानी करेगा वो कौन सा देश करेगा, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए जो अभी जो ये महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप होगी इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। कौन सा देश करेगा, भारत। तो यहाँ भारत उत्तर हो जाएगा। भारत में कौन सी जगह इसका आयोजन किया जाएगा, भारत में आयोजन इसका किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। और कब से कब तक ये चैंपियनशिप होगी, तो ये होगी 15 से 24 नवंबर। क्या है, 15 से 24 नवंबर 2018 ये इसका ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, ये चीज हमने देख ली है। अब देखो यहाँ बात हुई है महिला विश्व चैंपियनशिप की जिसकी मेजबानी करेगा भारत, लेकिन अगर यहाँ बात हुई होती पुरुषों की जो ये पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप की बात हुई होती जो कि होगी 2019 में, कौन सी पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप, तो उसकी मेजबानी करेगा रूस, और रूस में कौन सी जगह होगी, सोची में। ठीक है, अब एक और मैं चीज बता देती हूँ कि जो ये भारत की बात करें तो भारत है विश्व ये मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप का जो आयोजन करेगा, देखो ये तो हमने देख लिया कि अभी करेगा, और 2021 में देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ कि 2000 देखो महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप की भारत मेजबानी कर रहा है अभी 2018 में। तारीख मैंने सब बता दी है कि 15 से 24 नवंबर 2018 का इसका ड्यूरेशन रहेगा। और अगर यहाँ बात की जाए कि पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप की जो मेजबानी करेगा भारत वो कब करेगा, तो देखो 2021 में जो पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप होगा ना उसकी मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ बता दी हैं। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ जो ये फेमस बॉक्सर्स हैं, मुक्केबाजी प्लेयर हैं, उनकी तस्वीर दिखा देती हूँ ताकि आप यहाँ भूल ना पाओ इन चीज़ों को। तो देखो ये आप फोटो देख सकते हैं बॉक्सिंग की। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न हमें दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी फिल्म है जिसको 91वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है। तो देखिए जो 91 है ना, जो मतलब कि 91वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए जो विलेज रॉक स्टार है इसको चयनित किया है, किसको किया है, विलेज रॉक स्टार को, कितने 91वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए। और ये जो 91वें ऑस्कर पुरस्कार है जो 2019 में दिया जाएगा। अब इससे पहले यहाँ ये देख लेते हैं कि जो विलेज रॉक स्टार ये फिल्म है इसको देखो 65वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2018 हुए उसमें इसको मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए इसको चुना गया विलेज रॉक स्टार को, किसमें, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में। ठीक है, अब यहाँ हम ये बात कर लेते हैं, ये तो हमने देख लिया कि 91वें ऑस्कर में जो ये है
विलेज रॉक स्टार है, इसको चुना गया है ये विदेशी फिल्म श्रेणी के रूप में ऑस्कर में। लेकिन इससे पहले जब ये 90वें ऑस्कर पुरस्कार जब हुए 2018 में, तो इसमें कौन सी फिल्म को चुना, तो इसमें चुना गया हिंदी फिल्म है जिसका नाम है न्यूटन। तो पिछली बार इसे चुना गया और इस बार विलेज रॉकस्टार को। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी है। अब यहाँ मैं दिखा देती हूँ जो ये विलेज रॉकस्टार फिल्म है, इसकी यहाँ तस्वीर दिखा देती हूँ। देखो ये आप देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ भी है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, विलेज रॉकस्टार जो कि किसके द्वारा ये फिल्म डायरेक्ट, किसके इसके डायरेक्ट कौन है, रीमा दास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे लिया गया है कि झारखंड सरकार ने आयुष्मान भारत की योजना के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखो झारखंड सरकार की यहाँ बात करें तो झारखंड सरकार है इसने आयुष्मान भारत के लिए जो एनआईसी है इसके साथ समझौता इसने किया है। अब एनआईसी की बात करें तो एनआईसी की फुल फॉर्म है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जिसका मुख्यालय कलकत्ता इंडिया में है। कहाँ पे, कोलकाता इंडिया में। अब यहाँ ये बात करते हैं कि जो ये योजना है आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत राज्यों को क्या होगा, जो राज्य के लोग हैं उनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह आयुष्मान भारत योजना है, इसने एनआईसी के साथ सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब यहाँ देखो ये जो समझौता हुआ है आयुष्मान भारत और एनआईसी के बीच में हुआ, तो यहाँ मैं एनआईसी की आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। देखो ये है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसकी ये पिक यहाँ पे मैंने लिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं ताकि आप चीजों को भूलो ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न लिया है कि विश्व रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है फिच, इसने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर है इसका, भारत के आर्थिक दर के जो पूर्वानुमान को पहले तो था ये 7.4% था, लेकिन 7.4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 7.4% से बढ़ाकर कर दिया 7.8। तो क्या उत्तर हो जाएगा, बी हमारा उत्तर हो जाएगा 7.8। और देखो इसको मैंने एकदम न्यूज की फॉर्म में ऐसे कैसे लिख दिया है, देखो क्या लिखा है कि विश्व रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है इसका पूर्वानुमान पहले तो लगाया था 7.4% और इसको बढ़ाकर अब कर दिया 7.8। तो क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7.8। अब यहाँ बात कर लेते हैं जो ये विश्व रेटिंग एजेंसी है फिच, तो फिच की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएस में है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में जो एशियाई टीम स्नूकर चैंपियनशिप है इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो देखो एशियाई टीम स्नूकर चैंपियनशिप हुई है हाल ही में, उसमें भारत ने जीता है रजत पदक। कौन सा जीता है, रजत। और भारत हारा किससे है, तो भारत आ रहा है पाकिस्तान से आ रहा है, किससे आ रहा है, पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से कितने अंक से आ रहा है, 2-3 से आ रहा है। ठीक है, ये चीज हमने देख ली है। अब हमें ये पता होना चाहिए, उत्तर तो हमारा हो गया यहाँ पे बी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भारत के ओर से किसने पार्टिसिपेट किया, तो भारत के ओर से पार्टिसिपेट किया पंकज आडवाणी और मलकीत सिंह ने, और पाकिस्तान के ओर से पार्टिसिपेट किया बाबर सिंह और मोहम्मद आसिफ ने। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि जो एशियाई टीम स्नूकर चैंपियनशिप ये जो हुई है ये कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है दोहा में हुई है, और दोहा कहाँ पड़ता है, कतर में, दोहा कतर में ये चैंपियनशिप हुई है। अब यहाँ मैं दिखा देती हूँ भारत के ओर से पंकज आडवाणी जी और जो ये मलकीत सिंह है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो देखो यहाँ आप देख सकते हैं ये है पंकज आडवाणी, ठीक है, जो कि स्नूकर के लिए बहुत फेमस है भारत में। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में कौन सा क्षेत्र है जिसमें ऑल इंडिया रेडियो के 10 किलोवाट ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है। तो देखो जम्मू कश्मीर के जो पत्नीटॉप नाम की जगह है वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो 10 किलोवाट ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, ए यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका एडिशनल फैक्ट है वो ये है कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो देखो इसका उद्घाटन किया जो पूर्व क्षेत्र है उसमें विकास परमाणु ऊर्जा विभाग और जो अंतरिक्ष राज्य मंत्री है जिनका नाम है जितेंद्र सिंह,
उन्होंने 2 सितंबर को कब किया, 2 सितंबर 2018 को इसका उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर का जो रामबन नाम का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पत्नीटॉप नाम की जगह वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ मैं दिखा देती हूँ, देखिए ये उद्घाटन करते हुए जो ये हैं जितेंद्र कुमार जी, और जो ये जितेंद्र कुमार जी हैं, जितेंद्र सिंह, और जो जितेंद्र सिंह की बात करें तो ये है विकास, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष राज्य के मंत्री हैं ये, और इन्होंने देखिए यहाँ देख सकते हैं ये उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये थे गाइस आज के कुछ क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ग्रुप में, आपके जितने भी लोग हैं उन सभी के पास शेयर कीजिए, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं सभी को शेयर कीजिए, ताकि इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ। और गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर यूट्यूब चैनल नामदेव अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप अपने यूट्यूब चैनल नामदेव अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी का चिन्ह दबा लीजिए, जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।